केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार द्वारा इस्तीफे की पेशकश करने के बाद पार्टी के बागडोर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तरफ से ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अजीत पवार को मिल सकती है, तो वहीं अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि शरद पवार के पास एनसीपी को लेकर भी प्लान बी है। इसके तहत सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों को ही जिम्मेदारी मिल सकती है। एनसीपी में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अजीत पवार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सारे फैसले सुप्रिया सुले ले सके और राज्य लेवल पर अजीत पवार जिम्मेदारी संभाल सके और दोनों के बीच कोई मतभेद न हो, वो अपने अपने काम के फैसले ले। और बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को ये कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य शीर्ष पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो बहुत लंबे समय से अपने पद और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। पहलवान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि पहली बार जंतर मंतर पर अपना विरोध शुरू करने से पहले पहलवानों ने एक अधिकारी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठ गए। विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को भी लेकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो अब तक का सबसे अधिक है। इनमें से अधिकांश ने उन सीटों से नामांकन दाखिल किया है जिनमें समुदाय की अच्छी खासी उपस्थिति है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समुदाय के बीच अपने समर्थन के आधार का परीक्षण करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में 760 नगरीय निकाय के 14,864 पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए 4 और 11 मई को दो चरणों में शहर नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और सदस्यों और नगर निगमों के नगर सेवकों के पदों के लिए भाजपा ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव के जरिए यूपी में 17 नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष और 544 नगर पंचायतों में 1,420 सेवायत के साथ साथ नगर पंचायतों में अलग अलग जगह पर सदस्य चुने जाएंगे। भाजपा ने कुल 391 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 351 नगरपालिका वार्ड से पार्षद और सदस्यों के पदों के लिए 35 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए और 5 नगरपालिका परिषदों के अध्यक्षों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यौन उत्पीड़न का मुद्दा उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक महिला ने मंगलवार को न्यूयॉर्क सिविल ट्रायल में बताया कि 1970 के दशक के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक फ्लाइट में उनका यौन उत्पीड़न किया था। जेसिका लीड्स ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लेखक जीन कैरोल द्वारा लगाए गए बलात्कार और मानहानि के मुकदमे में गवाही देते हुए कथित हमले का वर्णन किया। ट्रंप ने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि ऐसे किसी भी दावे पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेसिका लीड्स ने मैनहट की संहिता अदालत को बताया कि ट्रंप ने 1978 या 1979 में न्यूयॉर्क जाने वाली एक बिजनेस फ्लाइट में उनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया था, जिसके बाद उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। कई महिलाओं ने मतदान के दौरान ट्रंप पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। हिलेरी क्विंटन के साथ राष्ट्रपति की बहस के दौरान ट्रंप द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप का खंडन करने के बाद जेसिका लीड्स सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने लगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही विपक्षी एकता के प्रयास पर सवाल उठाए। शाह ने विपक्षी एकता की एकजुटता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये कैसी विपक्षी एकता है नीतीश कुमार की, पार्टी के कितने उम्मीदवार गुजरात में होंगे, ममता बनर्जी की पार्टी के कितने प्रत्याशी
उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। केसीआर किसी के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जनता के लिए विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे में विपक्षी एकता का कोई असर नहीं दिखने वाला है। बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बिहार में 2015 वाली स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा 2024 और 2015 में 9 साल का फर्क है। महागठबंधन की चुनौती के सवाल पर शाह ने कहा कि बीजेपी हर हार से सीखती है। इसका प्रूफ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से है, जिसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% रहा। इसमें बाद हम अकेले लड़कर 2 उपचुनाव भी जीत चुके हैं। साल 2015 के केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ 1 साल पुरानी थी और वहां के गरीब मोदी सरकार के प्रति आकांक्षी होने का भाव रखते थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार के पटना आगमन से पहले ही विपक्षी नेता तिलमिला गए हैं। लगातार उनके विरोध में विपक्षी नेता हमलावर है। सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले बाबा बागेश्वर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी उसके कार्यक्रम में बाधा बनेंगी। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD और उसके तमाम बड़े चेहरे एक स्वर में बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यहां तक कि पूर्व से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में निर्धारित कार्यक्रम को अब पटना में ही शहर से बाहर नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। किसानों ने बाबा के कार्यक्रम के लिए कई बीघे जमीन खाली कर दी है। बाबा की लोकप्रियता कितनी है अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफा सत्ता में शामिल लोग बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाबा के दिव्य दर्शन के लिए बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। RJD को इस विरोध का लाभ कब और कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से RJD के बड़े चेहरों ने बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर विरोध में मोर्चा खोला है, उनकी भी चर्चा बिहार के आम जनमानस में हो रही है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को रांची में CM हेमंत सोरेन से मुलाकात की। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और CM हेमंत सोरेन के बीच हुई मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। CM हेमंत सोरेन और ललन सिंह के बीच हुई मुलाकात को केवल शिष्टाचार वार्ता बताया गया, लेकिन राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। CM हेमंत से मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा कि वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रांची आए थे। इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। JMM की ओर से पहले भी विपक्षी एकता को लेकर सहमति जताई जा चुकी है। इससे पहले JDU के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी CM से मुलाकात कर चुके हैं। JDU अध्यक्ष ललन सिंह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी जल्द ही CM हेमंत से मिल सकते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।